तो मित्रों ये है Xiaomi की स्मार्ट टीवी, Xiaomi स्मार्ट टीवी 5A। काफी सारे फीचर मिलते हैं भाई इसमें। इसके पीछे हम दोनों लोग छुप सकते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब जो है आवश्यकता पड़ेगी हमारे अनबॉक्सिंग अस्त्र। तो जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि Xiaomi स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री में इंडिया में भाई नंबर वन है। वैसे ये वाली स्मार्ट टीवी मुझे Xiaomi की तरफ से ही आई है रिव्यू के लिए। तो आज हम थोड़ा इसे अनबॉक्स करेंगे और साथ ही जानेंगे इसके कुछ फीचर्स और कुछ कंफ्यूजन ना हमारे मस्तिष्क में भी है तो वो भी दूर कर लेंगे। परंतु उसके पहले हमको चाहिए हमारा अनबॉक्सिंग अस्त्र। तो ये इसका रिमोट, थोड़ा सा यहाँ पे अलग बटन्स दिख रहे हैं मुझे। पहले मेरा Xiaomi वाला रिमोट थोड़ा अलग है और इसमें कुछ सेल और स्क्रूज भी मिल जाते हैं और ये दो स्टैंड मिल जाते हैं अगर आपको स्टैंड में रख के यूज करना है तो। वैसे तो 43 इंच की है लेकिन भाई काफी हल्की लग रही है। वैसे जो मेरा प्राइमरी टीवी है ना वो Xiaomi का ही मी टीवी 4X 43 इंच वाला है, 4K वाला। तो मैंने उसको हटा के इस वाली टीवी को इंस्टॉल किया ताकि इसको उपयोग करके अच्छे से इसका विश्लेषण रिव्यू कर पाऊं आपके समक्ष। तो वैसे तो भाई साहब मैं इसको टेबल पे मेज पे रख के भी ऐसे यूज कर सकता था, परंतु भाई द्विज है ना वो शैतानी के नए नए क्रैश कोर्स कर रहा है आजकल, तो भाई रिस्क नहीं ले सकता था मैं। तो इसलिए ना मैं ये वाला वॉल माउंट यूज करता हूँ। इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं किधर को भी तो ये सही रहता है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और बहुत सारी टीवी सपोर्ट करता है ये। तो अब Xiaomi स्मार्ट टीवी 5A की कुछ तकनीकी जानकारियों की बात कर लेते हैं, उसके पश्चात मैं आपको अपने अनुभव के बारे में बताऊंगा। हाँ एक बात और, ये Xiaomi स्मार्ट टीवी 5A में तीन अलग अलग मॉडल है स्क्रीन साइज वाले। एक तो 32 इंच वाला है वो HD रेडी है और 40 इंच और 43 इंच वाले जो है ना वो फुल HD रेजोल्यूशन साथ आते हैं। अब तीनों को पैसे बताते हैं क्या भाव लगाया है Xiaomi। ये Xiaomi पैड 5 है, इसकी वीडियो देखी, चैनल पे डाल चुका हूं भाई। तो ये 32 इंच वाला है 15,499 का, 40 इंच वाला है 22,999 का और 43 इंच वाला जो है 25,999 रुपए का है। और हमारे पास जो मॉडल है ना वो 43 इंच वाला ही है। बाकी इसका बाइंग लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। और डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले भाई लाइक भी कर दीजिएगा और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये फुल HD रेजोल्यूशन साथ आती है, एंड्रॉइड टीवी 11 मिल जाता है। हाँ, यहाँ पे पैच वॉल इंटरफेस आपको मिल जाता है जो कि इस वाली टीवी की एक USP होगी या फिर Xiaomi Redmi की स्मार्ट टीवी की एक USP होती है। व्यक्तिगत रूप से भी पैच वॉल मुझे अच्छा लगता है भाई, उपयोगी कह सकते हैं, उसकी बात आगे करेंगे अभी। 24 वोल्ट का स्पीकर है टीवी में, डुअल स्पीकर समय से डॉल्बी ऑडियो भी सपोर्ट करता है, DTS:X और DTX वर्चुअल X भी सपोर्ट करता है। अब इसमें A55 क्वाड कोर चिपसेट दिया गया है और 8GB इंटरनल स्टोरेज भी है और मेरे वाले मॉडल में क्या है 1.5GB की रैम है। सर्वप्रथम डिजाइन एंड बिल्ड की बात कर लेते हैं। वैसे इसमें जो बेजल्स है ना भाई बहुत कम है और यहाँ पे चिन मिलती है ये भी बहुत छोटी है और Xiaomi की ब्रांडिंग। और टीवी के जो पोर्ट्स हैं वो सारे एक तरफ ही मिल जाते हैं, ईथरनेट और ये सेट ऑफ बॉक्स कनेक्ट करने के लिए AV इनपुट। ये HDMI 2.0 के दो पोर्ट्स हैं, ये वाला ना आर्क भी सपोर्ट करता है और भाई साहब 3.5 हेडफोन जैक भी है यहाँ पे और एंटेना कनेक्ट करने के लिए ये वाला पोर्ट। USB 2.0 वाले दो पोर्ट भी मिल जाते हैं, एक स्पीकर ये वाला है और एक ये, टोटल दो स्पीकर्स मिल जाते हैं बॉटम फायरिंग। तो यहाँ पे नॉर्मली जो उपयोग करते हैं अपना सारे पोर्ट्स उपलब्ध हैं, परंतु यहाँ पे SPDIF पोर्ट नहीं मिलता इसमें। मेरा जो Mi TV 4X है ना उसमें मिलता है, तो उसमें मैं अपना Mi साउंड बार भी इसे SPDIF केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूं। इसके लिए अलग से तारें उपयोग करनी पड़ेंगी या फिर ब्लूटूथ के थ्रू। एनर्जी रेटिंग आप देख सकते हैं 3 स्टार है, सबसे बड़ी बात मेड इन इंडिया भाई। ये मेरा Mi TV 4X वाला रिमोट है और ये नया वाला। तो भाई नए वाले में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बटन्स आपको दिख रहे होंगे, डिज्नी हॉटस्टार का और एप्स का। यहाँ पे मी होता था अब Xiaomi है। और बिल्लू पता है ये नया वाला रिमोट थोड़ा लंबा हो गया भाई काफी के। रिमोट की जो बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत सही लग रही है, थोड़ा मैट फिनिश साथ आता है ये। तो ये सारे बटन मिल जाते हैं, पावर की, गूगल असिस्टेंट की और ये मल्टी फंक्शन की, ये पैचवॉल की है ये बैक जाने के लिए, ये होम बटन की है एंड्रॉइड टीवी पे जाने के लिए, नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और वॉल्यूम अप डाउन करने की। अब यहाँ पे भी कोई डेडिकेटेड म्यूट बटन नहीं मिलता, बट जैसे वॉल्यूम डाउन को 2 बार प्रेस करेंगे ना ऐसे तो म्यूट हो जाएगा। हाँ 2 बार जल्दी। इवन जो मेरा Mi TV 4X है ना उसमें भी बेजल्स बड़े हैं। हाँ वॉल माउंट करने की कोई सामग्री आपको डिब्बे में नहीं मिलेगी, वो अलग से लेना पड़ेगा आपको। और टीवी यदि आप परचेस करते हैं ना तो आप जो इनके ऑफिशियल इंजीनियर आते हैं ना उनकी प्रतीक्षा करके ही इंस्टॉल करवाइए, अन्यथा वारंटी वॉइड हो सकती है डिब्बे में लिखा ऐसा। क्योंकि भाई साहब जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे, ऐसा बड़े लोगों ने ऐसे हवा में नहीं बोला भाई। हाँ परंतु हमने कर लिया है क्योंकि हमको वारंटी खतरा नहीं भाई, परंतु आप मत करिए। वैसे टीवी में ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करता है, तो 2.4GHz और 5GHz दोनों बैंड वाईफाई के सपोर्टेड हैं, ये अच्छी बात है। क्रोमकास्ट, मीराकास्ट ये सब बिल्ट इन सपोर्टेड है इसमें। तो जैसे स्मार्टफोन है आपके पास तो उसकी स्क्रीन को कास्ट कर सकते हैं इसमें, पूरा वैसे वैसे दिख जाएगा उसमें। यहाँ पे इसकी डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको अलग अलग मोड मिल जाते हैं, तो वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ब्राइटनेस कितनी रखनी है डिस्प्ले की वो सब चूज कर सकते हैं। और डिस्प्ले की मैं बात करूँ ना ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी की, देखिए फुल HD रेजोल्यूशन साथ आती है, 4K रेजोल्यूशन नहीं है यहाँ पे। और मैं एक 4K टीवी से स्विच हुआ था, जब मैं एकदम पास जाता हूँ ना टीवी के तो पिक्सल्स थोड़ा
सा समझ में आते हैं, परंतु जिस दूरी से हम जनरली देखते हैं अपनी टीवी को, भाई बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। जो शॉमी की ट्यूनिंग है ना विविध इंजन 2.0, ऐसा लगता है भाई काम कर रही है। जो ये टीवी बाय डिफॉल्ट मोड पे आई थी ना, वहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा लग रहा था। अब ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मी टीवी 4X की सेटिंग्स को मैंने ना ट्वीक कर रखा है पहले से ही, परंतु पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। व्यूइंग एंगल जो आप एकदम से साइड से देखेंगे ना, थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट होता है, परंतु वो माइनर ही है और ऑलमोस्ट हर टीवी में होता ही है। और डिस्प्ले में ऐसे कोई बहुत बड़ा स्क्रीन ब्लीडिंग का इशू मुझे नहीं देखने को मिला। साउंड में आपको थोड़ा सुना देता हूँ। भाई 24 वॉट के स्पीकर मिलते हैं इसमें। अब मी टीवी 4X जो मेरे पास है ना, इससे यदि मैं तुलना करता हूँ इसकी, तो बहुत इंप्रूव्ड स्पीकर्स हैं इसके। पहली बात, लाउडनेस बहुत अच्छी है इसकी, साथ में जो साउंड ट्यूनिंग करी है ना बहुत अच्छी है। इस प्राइस के कुछ टीवीज मैंने, मतलब यहाँ तो नहीं यूज करा बट कहीं कहीं जाके देखा है, साउंड पे ना कई ब्रांड्स उतना ध्यान नहीं देते, परंतु इसकी साउंड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं इसे बिना साउंड बार के उपयोग कर रहा हूँ पिछले 8-9 दिनों से, और मुझे साउंड बार की कमी नहीं लगती, जबकि मी टीवी 4X में ना मेरे को साउंड बार उपयोग करना पड़ता है। वैसे इसमें साउंड सेटिंग्स भी मिल जाती है कुछ, उन्हें भी आप ट्वीक कर सकते हैं। मैंने ये वोकल्स वाला ऑप्शन इनेबल कर दिया था ना, तो डायलॉग्स ना कुछ ज्यादा ही क्लियर हो गए थे, तो मुझे कम मजा आ रहा था, तो मैंने इसे ऑफ कर दिया था। तो आप ये सब चीजें अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, जो मुख्य कार्य होते हैं भाई टीवीज के या फिर स्मार्ट टीवी के, वो बहुत अच्छा है इसका इस प्राइस के हिसाब से। तो यहाँ पे हम यदि पैचवॉल की बात नहीं करेंगे ना, तो भाई वीडियो अधूरी रहेगी। सर्वप्रथम जो इसका यूनिवर्सल सर्च वाला फीचर है वो एक्चुअली यूजफुल है, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, कुछ भी रैंडम मूवी या फिर टीवी शो सर्च करते हैं, तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो दिखा देता है वहाँ पे लिस्टिंग की, भाई कहाँ पे देखना है आपको। किड्स मोड है, अभी तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु द्विज बड़ा होगा ना तो आवश्यकता पड़ सकती है। और पैचवॉल में सारी चीजें ना ऑर्गेनाइज दिखती हैं, जैसे नेटफ्लिक्स का इंटीग्रेशन है वो भी बहुत अच्छे से है इसमें, जो भी आप देख रहे हैं कंटिन्यू वॉचिंग ये सब चीजें दिख जाती हैं। बाकी लाइव न्यूज और मूवीज अलग अलग सेक्शन मिल जाते हैं, उन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। पैचवॉल की जितनी बार भी मैंने बात करी होगी, मोस्टली मुझे पसंद आया, क्योंकि मैं पैचवॉल का यूजर बहुत समय से हूं, और एंड्रॉइड टीवीज में ये जो यूआई है मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगता है, सहज लगता है। अब जैसे आप कुछ देख रहे हैं ना, तो ये पैचवॉल की को आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्विक सेटिंग्स आ जाएंगी, पिक्चर, साउंड, इनपुट, टीवी लॉक, मोर, तो यहाँ से भी आप ना चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। एक फीचर ये भी मिलता है इसमें टीवी लॉक करने का, तो भाई टीवी पे भी स्मार्टफोन की तरह ना आप लॉक लगा सकते हैं। तो ये वाला ना नॉर्मल टीवी का इंटरफेस है, और पैचवॉल पे यहाँ से भी आप जा सकते हैं या फिर ये वाली की प्रेस करके पैचवॉल में जा सकते हैं। वैसे इस वाली टीवी में एक फीचर मुझे अच्छा लगा, वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप करना है तो ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे ना, तो ऐसे होता रहता है, ये अप करना है ऐसे प्रेस एंड होल्ड करके रखिए, वॉल्यूम अप हो जाएगा। मी टीवी 4X में ऐसा नहीं होता था, उसमें एक एक बार ऐसे प्रेस करना पड़ता था। इसमें कास्टिंग वाला फीचर भी मिलता है भाई। तो हमारा टैबलेट आ चुका है भाई साहब हमारी टीवी में। This is a simulation game set in a virtual world. वैसे बिल्लू ऐसे तुम गेम खेल रही हो, मैं उसमें देख रहा हूँ, मजा आ रहा है भाई। अब इसमें IMDb रेटिंग के साथ भी इंटीग्रेशन किया गया है, तो जो भी टीवी शोज या फिर मूवीज होती ना, तो IMDb रेटिंग क्या है उसकी वो भी दिख जाता है ऐसे पहले ही, तो आइडिया लगा सकते हैं ना कि अच्छी है बुरी है क्या है। और यहाँ पे 1GB रैम नहीं है, 1.5GB रैम है, और इसका लाभ मुझे दिखा इसके UI में, ओवरऑल जिटरिंग या फिर लैगिनेस मुझे देखने को नहीं मिला, परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी मिल जाती है। इवन हमने कुछ गेम्स भी ट्राई किए थे। बिल्लू गेम खेले इसमें प्ले स्टोर, तो यहाँ पे प्ले स्टोर पे भाई सारे गेम्स एप्लीकेशंस मिल जाएंगे आपको। ये वाला मैंने इंस्टॉल किया है, बीच बगी रेसिंग प्ले। यदि आप पेन ड्राइव के थ्रू डायरेक्ट कुछ लगा के कंटेंट प्ले करते हैं तो फुल HD तक सपोर्ट करेगा, 4K में वो सपोर्ट नहीं करता। नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो और हॉटस्टार पे आप फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, जहां तक मैंने नोटिस किया है HDR कंटेंट प्लेबैक सपोर्ट नहीं इसमें। और एक बार बताना चाहूंगा कि मैं अपनी टीवी को Wi-Fi 5 पे यूज करता हूं, 5GHz Wi-Fi पे, और ऐसे कनेक्टिविटी का कोई इशू मुझे फेस नहीं हुआ। और रिमोट में आपको गूगल असिस्टेंट बटन मिल जाता है, तो उससे भी बातचीत कर सकते हैं, जो कुक सुन सकते हैं, मौसम का हाल सुन सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं, कुछ भी बोल के वीडियो भी सर्च कर सकते हैं। तो मित्रों ये Xiaomi स्मार्ट टीवी 5A 43 इंच की वीडियो, आपको कैसी लगी वीडियो और टीवी कैसी लगी वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। तो ओवरऑल Xiaomi स्मार्ट टीवी 5A के बारे में जो मेरा अनुभव रहा है अभी तक, बहुत अच्छा रहा है इस मूल्य पे। अब जो प्राइस है यहाँ पे उसके साथ कुछ बैंक ऑफर्स भी मिल सकते हैं आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं, थोड़ा और सस्ते में मिल सकती है आपको। बाकी एक रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, मैंने जो मी टीवी 4X 4K वाली ली थी ना Xiaomi की लगभग 2 साल पहले, उसको मैंने 25,000 रुपए में खरीदा था, और आज के टाइम पे 25-26,000 रुपए में आपको फुल HD
टीवीज मिल रही हैं। महंगाई बढ़ रही भाई। और भी कोई स्मार्ट टीवी का यदि आपको रिव्यू देखना है तो वो भी आप टिप्पणी के माध्यम से बता सकते हैं। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।